आपको पता है कि हमारे पंजाब और हरियाणा के आसपास जितने भी विलेजेस हैं, पंजाब और हरियाणा के अंदर भी जितने भी गांव आते हैं, तो वहां से स्टूडेंट बहुत अब्रॉड जाता है। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा रेशियो में स्टूडेंट अब्रॉड जाते हैं। और विलेजेस वालों की बात मुझे ये है कि वो लोग बहुत सिधरे, बहुत भोले होते हैं एज कंपेयर टू सिटी। और जो गाँव में रहते हैं ना, गाँव वाले लोग बहुत ही भोले वाले होते हैं, और उनके साथ इतना स्कैम किया जाता है ना पंजाब और हरियाणा में, मतलब उनको बातों में फंसा लिया जाता है। वो बेचारे भी आ जाते हैं एजेंट्स की बातों में, वो खुद जैसे हैं उनको वैसे लगता है कि दूसरे भी वैसे हैं। बट आजकल का टाइम आपको पता है कितना खराब चल रहा है। सिटी वाले फिर भी एक्टिव है, उनको नॉलेज है क्या चीज कैसे होती है, बट गाँव वालों को कुछ नहीं पता होता। बहुत भोले वाले होते हैं, बहुत फंसते हैं, भी फंसते हैं बहुत ज्यादा। उनको जैसे एजेंट बताएगा वो उस चक्कर में फंस जाएंगे। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, देखो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको, मैंने हाथ जोड़े हुए हैं, ये वीडियो ना आप स्पेशली पंजाब से ना बहुत जनता है जो गलत एजेंट्स के चक्कर में फंस रही है और फिनलैंड जा रहे हैं। यूके तो जा रहे हैं चलो ठीक है, बट फिनलैंड में जा रहे हैं, फिनलैंड के बारे में आज मैंने आपसे बात करनी है। वीडियो आप शेयर कर देना कि जो फिनलैंड का प्लान कर रहा है, चाहे तो ये पंजाब के, हरियाणा के, गुजरात के, हर घर में ये वीडियो हो, क्योंकि यहाँ से मेजोरिटी में ना लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। ये 3 स्टेट जो मैंने अभी बोली है ना, वो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इंडिया, पूरे इंडिया से ही जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। बट ये जो मैंने 3 स्टेट बोले, मेजोरिटी यहाँ से होती है, बहुत ज्यादा जाते हैं। तो यार वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कि जो भी अपना डिसीजन ले रहे हैं तो अपना सोच समझ के डिसीजन लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जनवरी इनटेक की एप्लीकेशन चालू है। आप पूछ रहे हो कि पाजी कब तक रहेगा ओपन जनवरी इनटेक, भाई अक्टूबर का महीना है अपने पास। फेब्रवरी इनटेक भी है एक यूनिवर्सिटी में, इन केस अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो, फेब्रवरी इनटेक में भी एक यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, वो भी मिल जाएगी, फीस भी रीजनेबल है। आप आराम से करो, जल्दबाजी मत करो, सब हो जाता है, रश मत करो, फंड्स अपने डाल के रख लेना। बाकी इस एप्लीकेशन फॉर्म दिया है उस पर जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। आई विल कॉन्टेक्ट यू इन जस्ट 2 और 3 डेज, 2 से 3 दिन में मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा, तो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना, अदरवाइज मुझे नहीं पता लगेगा कि प्रोफाइल क्या है। जो स्टूडेंट मेरे को पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता होगा मैं लास्ट ईयर फिनलैंड गया था, नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने 3 4 वीडियोस भी बनाए थे फिनलैंड में, मैं वासा गया था, हेलसिंकी गया था, विजिट कर रहा था, मैंने यूनिवर्सिटी विजिट करी थी वासा में, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था कि मैं स्टूडेंट्स के एडमिशन कराऊं फिनलैंड में, क्योंकि कपल्स का मंथ हो चुका था। आपको पता है मैंने वीडियोज में बताया भी था आपको कि मैं यूरोप का फिनलैंड का कर रहा हूँ, और मैंने फिनलैंड में स्टूडेंट भेजे भी हैं, मैंने इंस्टा पे भी उनका फीडबैक डाला। एक स्टूडेंट अपना गया रिसेंट में, मई में भी गया है, तो कपल का भी एडमिशन करवाया हमने, तो गए हैं स्टूडेंट, ऐसे नहीं कि पिछले इंडेक्स में गए हैं। तो बहुत अच्छी कंट्री है फिनलैंड, बट इस टाइम पे ना वहां पे हालात इतने अच्छे नहीं है। कंट्री में जो इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है ना भाई, बहुत बुरे हालात है वहां पे, महंगाई बहुत बड़ी है और वहां पे जॉब्स नहीं मिल रही है। महंगाई तो बड़ी है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आ रही है, जॉब नहीं मिल रही है। और अभी मेरे पास ना फिनलैंड की एप्लीकेशंस आ रही थी, क्योंकि अभी फिनलैंड का जनवरी इनटेक, आपको पता है कि जनवरी इनटेक होता है, सितंबर इनटेक होता है, 2 इनटेक होते हैं, तो उनका भी इनटेक चालू हो गया था। अब मेरे पास तो देखो एप्लीकेशन आई फिनलैंड की, मैंने स्टूडेंट को पहले ही बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है, आपको वहां जाके काम नहीं मिलने वाला। मैंने उसको पहले ही बता दिया भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, अगर वो फिर भी जाना चाहते हैं तो वो तो फिर खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। अब कुछ तो समझ जाते हैं, अब कुछ अपने नॉर्थ इंडियन में लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि फिर भी वो जिद करते हैं। तो मैं उनको समझाऊंगा कि भाई अभी रुक जाओ, सच बता रहा हूँ, लिटरली एक स्टूडेंट गया है मेरी, उससे मेरे खुद के काफी फ्रेंड है फिनलैंड में, एक भाई है अपना, बड़ा भाई है हेलसिंकी, उनको 6 साल हो गए हैं, तो पासपोर्ट भी है उनके पास, तो वो सब बताते रहते हैं, हमारी बात होती रहती है। तो वहां के हालात अभी इस टाइम ठीक नहीं है। करने को मैं चाहूँ तो एप्लीकेशन कर सकता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कभी फिनलैंड आ जाओ और बाद में आप बदुआएं निकलेंगी कि पाजी ने हमें कुछ बताया भी नहीं, यहाँ के फंस गए हैं, पैसे खत्म हो गए हैं, हमारे पास खाने के पैसे नहीं, क्या करोगे? फिनलैंड की आबादी ही सिर्फ 40-50 लाख है, और यूके की आबादी, यूके का मार्केट बहुत बड़ा है। मैं यहाँ पे यूके प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कपल्स के लिए बना रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, रश मत करो, जरूरी नहीं है कि कंट्री में हालात ऐसे ही रहेंगे, वो टाइम आता है, टाइम ठीक हो जाता है। जब मैं पिछले साल गया था तो उस टाइम पे मैंने स्टूडेंट्स को देखा था, कोई फ्री नहीं बैठा था, सब काम कर रहे थे। वासा में स्टूडेंट मिले थे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा मैं अपनी फिनलैंड वाली वीडियोस का ना, इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, काफी लाखों में लोगों ने वो वीडियो देखा था। और फिनलैंड का इमिग्रेशन बहुत ईजी है, मतलब पीआर लेना, सिटीजनशिप लेना लाइक इतना टफ नहीं है, पीआर के लिए तो लैंग्वेज भी नहीं चाहिए। तो पीआर का करोगे क्या आप लोग वहां पे, अगर आपको जॉब ही ना मिले तो? वो चीज है वहां लैंग्वेज की। अब डिलीवरी जॉब मैं बोलता दूंगी, वहां पे डिलीवरी जॉब में अच्छा पैसा बनता है, मैंने कितनी बार आपको बताया, बट ये देखो ना कि वो डिलीवरी जॉब किसको किसको देंगे। अब सभी डिलीवरी जॉब में घुस रहे हैं, उनके पास मतलब जॉब की डिमांड इतनी हो गई है, सबको डिलीवरी जॉब चाहिए।
बट वो उन्होंने अपना भी तो देखना है ना, वहां पे जो कंपनीज हैं तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ही आपको हायर करना है ना। अब वहां पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, सब डिलीवरी में घुस रहे हैं, किसी को आईडी नहीं मिल रही है, तो वो भी अब शॉर्टेज चल रही है जॉब की। और वो इस साल से ही हुआ है, उस पिछले साल का माहौल अच्छा था, मैंने वो वीडियो बनाया। अब भी ना क्या है कि रिसेंट में वो पुरानी वीडियो स्टूडेंट देखते हैं ना, पिछले साल वाली, ठीक है, तो उनको लगता है कि ये करंट सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको, वो करंट नहीं है भाई, वो पिछले साल की वीडियो थी, अभी हालात अच्छे नहीं। आप मेरे साथ सेशन बुक करके पूछते हो कि पाजी ये हम आ जाए, मैं आपको मना ही करूंगा, अभी आप लोग वेट कर लो। वहां पे जॉब मार्केट इतना अच्छा नहीं है, और सेकेंड थिंग वहां पे आपको हेलसिंकी में भी काम नहीं मिल रहा है। आप सोचो कि हम पाजी अगर हेलसिंकी में शिफ्ट हो जाए छोटे टाउन की बजाय, अगर फिर भी किसी को जाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी किस्मत है, आपका जो डिसीजन आपने लेना है वो आपकी मर्जी है, बट मैं यहाँ पे आपको मना ही करूंगा। फिर आप सोचो कि हम बाजी जाएं कहाँ, इस टाइम पे थोड़ा सा वेट कर लो, मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, आपको बता दूंगा कि यूरोप में अगर यूके का आपका नहीं हो रहा है, स्पाउस केस तो देखो सिर्फ फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये कंट्रीज हैं यही देती हैं स्पाउस केस, बाकी पोलैंड, जर्मनी, ये सब कंट्री आपका स्पाउस केस नहीं देती है। और सिंगल स्टूडेंट के लिए यूरोप में और भी अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, तो आप अगर कमेंट करोगे तो मैं वो कंट्रीज की भी वीडियो बना दूंगा, कि आप उसमें भी ट्राई करोगे कि आपको काम मिलना चाहिए, तो काम ही ना मिला तो क्या ही करोगे। फिनलैंड में प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो इतनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सब वहां पे जो भी चीजें आती है ना ये लोग इम्पोर्ट करते हैं, खाने पीने की चीजें सब चीजें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है। यूके में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, स्टोर्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है, तो कहीं ना कहीं बहुत आराम से एडजस्टमेंट हो जाती है, मतलब मार्केट बहुत बड़ा है, आबादी भी आपको पता ही है कितनी आबादी, तो वो चीज भी बहुत मैटर करती है। उनके पास एरिया ज्यादा है, जंगल है, बट उस टाइम पे पिछले साल माहौल अच्छा था, इस टाइम पे इतने अच्छे हालात नहीं। अभी आप वेट कर लो, अगर मेरे को लगा कि हाँ ऐसे ऐसे है ठीक है अभी, तो फिर मैं आपको वीडियो बना के, मुझे अगर आप में फिर भी एप्लीकेशन करवानी है तो कॉन्टेक्ट कर लेना, अगर आपके पास लिविंग एक्सपेंस है कि हाँ आपके पास 6 महीने 1 साल के लिविंग एक्सपेंस है, आप फिर भी फिनलैंड जाना चाहते हो, तो फिर आप कॉन्टेक्ट कर लेना, फिर हम देख लेंगे। और यहाँ पे ना मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पंजाब में ना मेरा कुछ एजेंट्स हैं जो आपको डिप्लोमा में भेजते हैं फिनलैंड में, इस चीज का ध्यान रखना, डिप्लोमा में जाने का कोई फायदा नहीं। अगर आपका डिप्लोमा डिग्री में कन्वर्ट होता है, कुछ ऐसे डिप्लोमास भी हैं वहां पे, अगर आपका डिप्लोमा डिग्री में कन्वर्ट होता है ना, 6 महीने एक्स्ट्रा मिलकर आपको मास्टर डिग्री का जो डिग्री मिलेगी, डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो बढ़िया है। अगर आपका डिप्लोमा में कन्वर्ट नहीं होता है ना, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है इतना, क्योंकि उसमें आपको बी परमिट मिल जाएगा और आगे वो चीज ना आपकी पीआर में भी वो काउंट नहीं करेंगे। तो ट्राई करो कि आप ऐसा कोर्स लो, अगर डिप्लोमा भी लेते हो तो वो कन्वर्ट होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री में, पहले तो ट्राई करो सीधा मास्टर में मिल जाए एडमिशन, क्योंकि फिनलैंड में थोड़ा सा एडमिशन टफ है लेना, इतना इजी नहीं है। यूके में मैं समझता हूँ कि यूके में एडमिशन लेना बहुत ही ज्यादा इजी है, बट फिनलैंड में वो चीज टफ क्यों है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनका, यूके जैसा सीन नहीं है। उन्होंने अगर किसी कोर्स में उनको 30 स्टूडेंट चाहिए ना या 20 स्टूडेंट चाहिए, उन्होंने 20 ही लेने हैं। यूके में क्या है कि एप्लीकेशन आती हैं, वो 100 200 स्टूडेंट भी ले लेते हैं, फिर बैच बन जाते हैं, 40 40 स्टूडेंट के बैच बना देते हैं, 3 4 5 ऐसे चल जाता है, यूके में सब हो जाता है। वो सब गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज है, उनको पैसे का लालच है नहीं है, फीसें हैं वहां पे भी बट वो लिमिट में ही है उनका, और ये अच्छी चीज है। मैं अभी स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा, वीडियो पंजाब में, हरियाणा, गुजरात में आप शेयर जरूर कर देना, जो प्लान कर रहे हैं फिनलैंड का, वो थोड़ा अपना डिसीजन सोच समझ के लें, काम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, लिटरली बता रहा हूँ। वेदर आपको पता है 3 4 महीने हार्श होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी तो आप भूल जाओगे, वहां पे इतनी ठंड होती है, थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा। ये चीजें चलो इतनी मैटर नहीं करती हैं, बाकी एक वीडियो बनाना था। आपके क्या विचार है, अगर कोई फिनलैंड का प्लान कर रहा है तो एक बार कमेंट करना, बताना कि आप कैसे क्या चल रहा है आपका, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, बढ़िया रहोगे, नहीं तो अदरवाइज आप वही सब, आपका भी ना वैसे ही हो जाएगा कि यू जब जब फिनलैंड आ जाओगे ना, फिर आप मेरे को कॉन्टेक्ट करोगे, बाजी आप ठीक बोल रहे थे, मैं नहीं चाहता कि वैसे हो। मेरे साथ ना लोग बाद में सेशन बुक करते हैं जब उनके साथ कुछ हो जाता है, जब आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हो ना, तो पहले एडवाइस ले लिया करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।